नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर अजय माकन है। कांग्रेस समेत निर्दलीय विधायकों से चर्चा। अजय माकन की रायशुमारी लगातार जारी है और पहले दिन 12 जिलों के एमएलए से 1-to-1 चर्चा अजय माकन की। इसके साथ ही जयपुर, झुंझुनू, सीकर, करौली, दौसा, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा के विधायकों से आज चर्चा अजय माकन की होनी है और लगातार ये रायशुमारी जारी भी है। माकन की रात 8 बजे तक विधायकों से रायशुमारी चलेगी और मंत्रियों के कामकाज, जिलाध्यक्षों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो लगातार चर्चा में इसी बात पर भी कर रहे हैं, पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त राजस्थान में, किस तरीके से आलाकमान राजस्थान के पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर उससे पहले एक कवायद चल रही है। लगातार रायशुमारी का दौर जारी है। अजय माकन एक एक विधायक से मिलकर 1-to-1 चर्चा करके सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कामकाज किस तरीके से सरकार में चल रहा है, किन मंत्रियों का क्या कुछ फीडबैक है, किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। जिलाध्यक्षों को लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है। तो सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाया जाए, बेहतर तरीके से राजस्थान की सरकार को चलाया जाए, किसी भी तरीके से पार्टी की छवि को बट्टा ना लगे, इसकी कोशिश लगातार आलाकमान की है और इस पूरे मामले पर खुद आलाकमान की नजर बनी हुई है। हमारे साथ इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा जी लाइव जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। मनु जी, आपका बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं चाहूंगा इस पर ही अपना आप पहला कमेंट दें। अजय माकन की जो रायशुमारी चल रही है, इसको आप किस तरीके से अभी देख रहे हैं? है यहाँ पर बैठ करके विधायकों से 1-to-1 बातचीत करें, 1-to-1 बातचीत करेंगे तो सुलह का रास्ता निकलेगा। बिल्कुल, पिछले 2.5 साल से राजस्थान के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिसके अंदर पायलट और गहलोत के अंदर जो दो गुट बने हुए हैं, यहाँ पर कामकाज नहीं हो पा रहा है और जिस मकसद के साथ में सरकार का एक बनाने का उद्देश्य होता है कि कामकाज हो और एकजुटता के साथ में चले, वो वहां पर नजर नहीं आ रहा था। तो आने वाले समय के अंदर जो बचा हुआ समय है 2.5 साल का, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी बात है कि सरकार बना करके फिर जनता का काम होने चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो पा रहे 2.5 साल से। तो इस तरह के जो हालात बने हुए हैं, लग रहा है कि एक गुट को ये लगता है कि उनकी उनके कहने से कुछ काम नहीं होते हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो नहीं मिलती है पार्टी के अंदर। वो सब जो परेशानी आ रही थी उन सबको दूर करने के लिए 1-to-1 आज एक मुलाकात का कार्यक्रम रखा है। ये सचिन पायलट के एक एजेंडे में भी शामिल था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके विधायकों की मन की बात सुनी जानी चाहिए कि उनके जो गुट के जो विधायक हैं वो क्या चाहते हैं सरकार से, आलाकमान से वो क्या चाहते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए ये एक पूरा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। आज और कल 2 दिन अजय माकन रहेंगे। पूरे 120 जो विधायक हैं उन सबसे मुलाकात करने का है। एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, सीपी जोशी है, इन 3 लोगों से नहीं होगी, बाकी सभी लोगों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम होगा। निर्दलीय विधायकों के मन की बात जानेंगे, क्योंकि वो लगातार कहते हैं कि अशोक गहलोत के कारण से वो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। बसपा से जो लोग शामिल होकर के आए हैं उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो केवल अशोक गहलोत के कारण से पार्टी से जुड़े हैं। तो ये सब बातें आलाकमान तक पहुंचेगी, उसके बाद कोई निर्णय होने वाला है, जिसमें चाहे मंत्रिमंडल फेरबदल का मामला हो, मंत्रिमंडल विस्तार हो, इसके अलावा संगठनात्मक जो नियुक्तियां होनी है वो होगी, उसके बाद में जो यहाँ पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होने हैं उन सबके ऊपर कवायद होगी। बिल्कुल, और अभी ये बात मनुजी सामने आ रही है, अपडेट सामने आ रहा है कि जो शुरुआत में अभी विधायकों से फीडबैक लिया है 1-to-1 अजय माकन ने, कुछ मंत्रियों की शिकायत भी सामने आई है कामकाज को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि खेमेबाजी जब होती है तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। उधर के विधायक कहते हैं कि साहब सरकार में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और इधर के विधायकों का काम लगातार होता है और जाहिर तौर पर इससे असर पड़ता है जनता पर, सरकार की छवि पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो फीडबैक लेने की जो बात है, क्योंकि एक आलाकमान को जो आगे आने वाले समय के अंदर मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार करना है, उसके अंदर आज की जो ये रायशुमारी रहेगी उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा इस रायशुमारी का। रायशुमारी में विधायकों से जो 5 मिनट से 7 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपके कितने काम सरकार में हो रहे हैं, कौन मंत्री है जहां पर वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, उन सबके नाम आ रहे हैं। तो बाकायदा शिकायतें ली जा रही है। अब कुछ मंत्रियों के जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कुछ ने मंत्रियों की शिकायत करी है, तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने की एक जो फाइल तैयार होगी वो भी इसी के माध्यम से होगी, रायशुमारी के माध्यम से।
कि आपकी इतने विधायकों ने शिकायत करी है, आप इस तरीके से काम नहीं। जब कभी पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये मामला उठता है कि मेरे को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया, मंत्रिमंडल से मुझे बाहर क्यों किया गया, तो वो फाइल उस वक्त उनको दिखाई जा सकती है कि आपके खिलाफ में इतने विधायकों ने अपनी रिपोर्ट रखी थी, इसके आधार पर आला कमान ने ये फैसला किया है। तो आपकी राय शुमारी काफी महत्वपूर्ण है, विधायकों की राय जानी जा रही है। एक एक मंत्री के बारे में अगर कहीं कोई शिकायत है विधायक को, तो आज वो आला कमान तक अपनी बात सीधी पहुंचा सकता है, ये उनको मौका मिला हुआ है। इसी कारण से जिस किसी भी विधायक के यहाँ पर काम नहीं हुए हैं, वो लोग अपनी बात आला कमान तक रख रहे हैं। अब चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, तमाम विधायक जो है जिनसे जो शिकायत रहेगी वो अपनी बात आला कमान तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका मोटिव यही है कि आने वाले समय के अंदर जो रोड मैप और जो ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है उसको अपने अंजाम तक पहुंचाने का है, तो उसके अंदर राय शुमारी का ये जो पार्ट है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मनोज जी, ये जरूरी भी था क्योंकि जब तक चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी तब तक शायद क्राइसिस चलते ही रहेंगे। देखिए, प्रत्येक विधायक सीधा जाकर के आला कमान से नहीं मिल सकता है, ये एक अच्छा माध्यम है पार्टी का, बिल्कुल वो उनकी फीडबैक लेने का जो एक माध्यम होता है वो अपने स्तर से लेते होंगे, अपने जो उनकी जो खुफिया जो तंत्र है उसके माध्यम से वो लेते रहते होंगे। लेकिन विधायकों से पर्टिकुलर एक एक से बात करना, ये राजस्थान के अंदर पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर कोई आला कमान सीधा यहाँ अपने दूत भेज करके उनको बिठा करके एक एक विधायक की बात सुन रहा हूँ, उनके मन की बात जान रहा हूँ कि वो क्या चाहते हैं, किसके नेतृत्व में आगे चलना है। तो वो तमाम बातें वो जब पूछना चाह रहे हैं तो विधायक अपने मन की बात खुल करके बता सकता है, और वन ऑन वन बात हो रही है, उसमें किसी दूसरा नेता कोई बैठा हो जिसके सामने विधायक बोल नहीं सकते हो ऐसी भी संभावना नहीं है। खुद अजय माकन बैठे हुए हैं, वो विधायकों से सीधी बात कर रहे हैं, तो मन की बात जो विधायक है वो अपनी बता सकता है, खुलकर के बता सकता है क्या परेशानी आ रही है उनको फील्ड के अंदर काम करने में, कौन मंत्री उनका काम नहीं कर रहा है, किस विभाग में काम नहीं हो पा रहे, अधिकारियों की क्या कार्यशैली है, ये तमाम बातें उनसे पूछी जा रही है, तो उसके आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण है कि आला कमान अगर इस तरह के प्रयास करता है तो विधायकों के अंदर जो उपजा असंतोष है कहीं ना कहीं वो दूर हो सकता है कि उनकी बात आला कमान ने सुनी है और वो बात अब उसके आधार पर ही फैसले होंगे। जी ठीक है, मनोज जी आप मेरे साथ बने रहिए। विधायकों से वन टू वन चर्चा से पहले अजय माकन की ओर से क्या कुछ कहा गया एक बार अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं, और साथ ही विधायक शकुंतला जी की ओर से क्या कुछ कहा गया ये भी हम सुनवा देते हैं। मीटिंग ले रहे हैं? हाँ, हम लेंगे लेंगे जी जी। क्या मैसेज रहेगा सर? कुछ नहीं, बताएंगे आपको बाद में। मीटिंग ले रहे हैं? हाँ, हम लेंगे लेंगे जी जी। क्या मैसेज रहेगा सर? कुछ नहीं, बताएंगे आपको बाद में। आपका नाम है कि उम्मीद की जा रही है कि प्रमोशन होने वाला है, मंत्री बनेंगे? देखो ऐसा है, नाम होना नहीं होना, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन होगा वो हमें स्वीकार। लेकिन पॉजिटिव फील कर रही हैं आप? मैं तो आप सबके लिए भी पॉजिटिव फील। तो आप सुन रहे थे पहले अजय माकन को। अजय माकन ने कहा कि जो भी होगा वो मीडिया को बताया जाएगा, अभी उन्होंने ज़्यादा कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए, कुछ भी उन्होंने ज़्यादा बोला नहीं मीडिया के सामने। शकुंतला जी को आपने सुना, जो MLA हैं उनके मंत्री बनने की जब मीडिया ने पूछा कि आपके मंत्री बनने के आसार हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या पॉजिटिविटी आपके अंदर है, तो उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस पार्टी तय करेगी, आला कमान तय करेगा, और जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी तरीके से हम लोग निभाएंगे। मनु जी, अजय माकन लगातार एक एक विधायकों से चर्चा कर रहे हैं, अभी जब मीडिया ने उनसे सवाल भी पूछा था तो ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ यही बताया कि जो भी होगा मीडिया के साथ साझा भी किया जाएगा। किस तरह से आप उनके इस बयान को भी देख रहे हैं, शुरुआत में कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है, और साथ ही आने वाले वक्त में क्या क्राइसिस को दूर किया जाएगा इस रायशुमारी के जरिए, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार के जरिए, जो अभी चीज़ें चल रही हैं आलाकमान की जो नज़र लगातार बनी हुई है, क्या आप लग रहा है कि जल्द ही पटाक्षेप इस पूरे मसले का हो जाएगा? बिल्कुल, अभी ये पटाक्षेप करने के लिए आला कमान ने कदम उठाया है कि अभी जब पंजाब और उत्तराखंड का मसला सुलझ गया है तो राजस्थान को क्राइटेरिया पर उन्होंने लिया है। और सबसे बड़ी बात बताने पड़ा कि एक साल पहले जब ये क्राइसिस खड़ा हुआ था राजस्थान के अंदर, कि पायलट अपने कुछ समर्थित विधायकों को लेकर के और मानेसर चले गए थे, तो उसके बाद में यहाँ पर अविनाश पांडे जो प्रभारी थे उनके ऊपर आरोप लगे थे कि कहीं ना कहीं एक तरफा फैसला वो करते रहे और उन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। इसी के कारण से अजय माकन एक संजीदा व्यक्ति है, उनको ये सारी जिम्मेदारी पार्टी आला कमान ने सौंपी है, और वो खुद लगातार राजस्थान के दौरे करते रहे। इसके अलावा इससे पहले उन्होंने संभागवार
नेताओं से भी मुलाकात की है या राजस्थान आकर के ना, अब जब खुद पर्टिकुलर एक एक विधायक के साथ में 1-to-1 बैठे हुए हैं तो रास्ता जरूर निकलेगा इसका, जिसके अंदर साफ तौर पर है पायलट गुट की जो मांग थी कि उनको मंत्रिमंडल के अंदर पूरा स्थान मिलना चाहिए, उनके जो समर्थित विधायक हैं उन लोगों को जगह मिलनी चाहिए, साथ ही जितने भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं उसके अंदर उनको जगह मिलनी चाहिए, कांग्रेस का जो संगठन है उसके अंदर उनको जगह मिले, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कवायद करने के लिए ही आज ये सारी वो जो बैठक हो रही है रायशुमारी की उसके अंदर चर्चा होनी है, क्योंकि खुद अजय माकन जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में 3 दिन पहले यहाँ पर 2.5 घंटे बैठ चुके हैं और ये सारी बात बैठ करके उनको जो आलाकमान की ओर से डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इस तरह का एक रोड मैप तैयार करना है आगे आने वाले समय में 2.5 साल के लिए, तो उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप यानी आज रायशुमारी हुई है, यहाँ से रायशुमारी ले जा करके वो आलाकमान के सामने रखेंगे, इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली बुला करके उनसे बातचीत कर सकता है आलाकमान की हमने ये सोचा है राजस्थान के बारे में और यहाँ यहाँ इस नेता को ये जिम्मेदारी दी जानी है, उसके बाद में फैसले होंगे शुरू हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप ये पहला कदम जो था आज ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है इसके अंदर, क्योंकि विधायकों की जो रायशुमारी हो रही है इससे ही सारा फीडबैक आलाकमान तक पहुंचेगा जी, इसलिए इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मनोज जी, अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा भी कर रहे थे तकरीबन 2 दिन पहले कि 6 से 8 मंत्री ऐसे हैं जिनकी छुट्टी कर दी जा सकती है, तो क्या ये आंकड़ा लगभग इतना रह सकता है, आपको क्या लग रहा है? मैं बताऊं पराग कि मंत्रिमंडल राजस्थान के अंदर जो इतने दिनों से जो लटका हुआ था मामला वो इसी कारण से है कि राजस्थान के अंदर आज कतार बहुत लंबी है मंत्री बनने वालों की, 2.5 साल बीत चुका है, लोगों का इंतजार लगा हुआ था कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द नंबर आ जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार करते ही किसी तरह का असंतोष ज्यादा न उपजे इसी की सारी कवायद है कि हालात खराब ना हो, जो अभी हालात है इससे भी ज्यादा खराब हालात ना हो जाए, इसके लिए सबको संतुष्ट करते हुए आगे चलना जरूरी होगा। आज राजस्थान के अंदर 13 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर समर्थन दिया हुआ है, इसके अलावा 6 बसपा से आ गए, तो इनको कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर सरकार ने जो बचाने की जो महत्वपूर्ण कवायद थी जिस समय उस समय इन लोगों ने साथ दिया था, तो आज उनकी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि सबसे पहले तो उनको वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि उन लोगों ने सरकार बचाई थी, उन लोगों की मांग ये है, तो पार्टी आलाकमान के सामने चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई है उन लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाए, साथ ही जो मूल कांग्रेसी है उनका कहना है कि हम लोगों को सबसे पहले वरीयता मिलनी चाहिए क्योंकि हम तो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, पार्टी के सारे फैसलों के साथ जुड़े हुए थे, जिस समय अशोक गहलोत की सरकार को क्राइसिस पैदा हुआ था तो वो खुद उसके साथ में डटे हुए थे और जितने भी दिन बारेबंदी रही चाहे जैसलमेर में रही हो चाहे यहाँ पर जयपुर में रही हो होटलों में वो लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे में उनको वरीयता मिलनी चाहिए, इसलिए रास्ता निकाला जा रहा है जो सूत्रों के हवाले से मालूम हो रहा है ये करीबन आज राजस्थान के अंदर 200 सदस्य विधानसभा है, मुख्यमंत्री समेत 30 लोगों का मंत्रिमंडल हो सकता है जिसके अंदर आज की तारीख में 21 लोग हैं मुख्यमंत्री से, तो 20 लोगों की जगह है, साथ में अगर गोविंद डोटासरा की खाली हो जाती है तो और जगह बन जाती है, ऐसे में 6 से 8 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है आज के मंत्रिमंडल से किसी न किसी परफॉर्मेंस के आधार पर या जो अगर कोई संगठन में काम करना चाहता है उसकी मन की इच्छा के आधार पर, तो लगभग 15 लोगों के लिए जगह बन सकती है यानी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो, जिसमें निर्दलीयों को भी लिया जाएगा, बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको भी जगह मिल सकती है, पायलट गुट के जो 3 से 4 लोगों को उनको जगह मिल सकती है और जो मूल कांग्रेसी है उनमें से 7 से 8 लोगों को उनको लिया जा सकता है, तो ये सारी कवायद इसलिए जा रही है कम से कम 15 चेहरे जो है मंत्रिमंडल के अंदर और नए आ जाए जिससे कि असंतोष जो उपजा हुआ है वो कम हो, दूसरा जो बचे हुए लोग हैं चाहे निर्दलीय हैं चाहे बसपा से इधर आए हुए हैं कांग्रेस में शामिल हुए हैं और जो जिन लोगों को पहली बार में विधायक नहीं बनाया जा पहली बार जो विधायक चुन करके आए उनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, मंत्री बनाना उनको कहीं ना कहीं दर्जा दिया जाना जरूरी है, ऐसे लोगों के लिए संसदीय सचिव का द्वार अभी खुला हुआ है, जब भी मंत्रिमंडल की कवायद होगी उसके बाद में संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति होगी उसके अंदर उन लोगों को लगाया जा सकता है, तो ये सारी कवायद जो चल रही है आने वाले ज्यादा ज्यादा 10 दिन के अंदर ये माना जा रहा है कि सारी कवायद पूरी हो जाएगी। तो क्या मनु जी माना जाए इसलिए इतना इंतजार करना पड़ा है, इसलिए इतना आलाकमान को इस पूरे माहौल को सही करने के लिए समय लग गया क्योंकि उम्मीदवार ज्यादा हैं, चाहे हम पायलट गुट के विधायकों की बात करें, 13 निर्दलीयों की बात करें, 6 बसपा से आए विधायकों की बात करें जिनका आपने जिक्र किया, चाहे मूल कांग्रेसियों की बात करें, संख्या ज्यादा है लोगों की और सबको संतुष्ट भी करना है, किसी में असंतोष ना हो, क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार के बाद अब से भी ज्यादा स्थिति और खराब हो जाए।
इसीलिए समय लगा है, लेकिन आला कमान के सामने और भी फैसले लिए जा रहे थे। पंजाब का फैसला था, पंजाब के अंदर भी हालात इसी तरह से, पार्टी में जो गुटबाजी थी अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के बीच के अंदर, सबको भी उनको सुलझाना था। उसके बाद में राजस्थान का क्राइसिस था, क्योंकि पंजाब की रिपोर्ट पहुंच चुकी थी, पंजाब की रिपोर्ट के आधार पर काम शुरू हो गया था। उसके बाद में राजस्थान की रिपोर्ट भी उनको मिल चुकी है, एक बार जो केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने अपनी रिपोर्ट दी है उसके आधार पर ही काम शुरू हुआ है। तो ऐसे हालातों के अंदर वरीयता के आधार पर काम किया जा रहा है। राजस्थान में वैसे हालात नहीं थे जैसे कि पंजाब के अंदर है। राजस्थान के अंदर अभी सरकार स्थिर है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ऐसे हालात नहीं थे। इसीलिए बैठ करके बातचीत करके सुलझाने का प्रयास हो रहा था। और सचिन पायलट जो है लगातार बड़े नेताओं के संपर्क में थे, दिल्ली के नेता भी सचिन पायलट के संपर्क में थे। तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि सचिन पायलट को पार्टी छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, इस तरह के विवाद नहीं थे यहाँ पर। इसीलिए आलाकमान चाह रहा था कि व्यक्तिगत रूप से जनसुनवाई करके, राय शुमारी करके और इन विधायकों की राय जानी जाए। और आज से एक साल पहले जब प्रियंका गांधी के साथ में सचिन पायलट बैठ करके सारी बातचीत करके आए थे, तो एक मसौदा तय हो गया था कितने लोगों को आलाकमान मंत्रिमंडल में उनकी तरफ से लेगा, पंचनात्मक नियुक्तियों में क्या हालात रहेंगे और किस तरह की वरीयता उनको दी जाएगी। जो कल सचिन पायलट की मुलाकात हुई है दिल्ली के अंदर अजय माकन से या जयपुर आने से पहले, तब उन्होंने भी यही बात रखी है जो सूत्रों के हवाले से मालूम हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक साल पहले जो प्रियंका गांधी के साथ में बैठ करके जो फार्मूला तय किया गया था राजस्थान के लिए उनके लिए जी, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो ये सही बात है कि जो उनके साथ में एक साल पहले जो बातचीत हुई है उसको आलाकमान अपने अंतिम परिणति के अंदर यानी उसको फाइनलाइज करने के लिए ये सारा काम कर रहा है। और आज विधायकों के साथ में जब राय शुमारी हो जाएगी और कल राय शुमारी होगी, उसके बाद वो दिल्ली बैठ करके आलाकमान के सामने सारी स्थिति रखेंगे, उसके बाद में फैसले लिए जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा मनु जी, एक बात का और मैं जिक्र करना चाहूंगा, गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था जिसका आपने अभी जिक्र भी किया कि उनका मंत्री पद जा सकता है क्या, तो उन्होंने संकेत तो दे दिए थे। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ एक पद एक व्यक्ति, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर अब कांग्रेस पार्टी चलने वाली है? देखिए, सभी पार्टियों में होता है क्योंकि नेताओं की कतार लंबी है। ऐसी स्थिति के अंदर मंत्रिमंडल में जगह बनाने के लिए भी कवायद है। दूसरा, जो पीसीसी चीफ का पद उनको एक साल पहले सौंपा गया था उसके ऊपर काम करने का मौका अब आ रहा है जी। एक साल तक उन्होंने काम किया बखूबी, लेकिन टीम नहीं बनी थी पूरी, इसके कारण से धरातल तक उनकी टीम नहीं बन पाई थी। अब अगर उनको पूरी तरह से एक जिम्मेदारी दे दी जाती है यानी कि पीसीसी चीफ का पद केवल सौंप दिया जाता है, तो वो अपनी टीम भी बनाएंगे, संगठन के लिए काम करना जरूरी है। ढाई साल का जो पहला पीरियड होता है सरकार का, पांच साल में से वो एक आराम का रहता है ढाई साल का, ये जो पीरियड था। अब जो आने वाले ढाई साल का पीरियड है ये काफी कठिन और चुनौतियों भरा होगा, क्योंकि ढाई साल के बाद में चुनावी यहाँ भी राजस्थान के अंदर भी होंगे। ऐसी स्थिति के अंदर धरातल तक अपना संगठन तैयार करना, वापस से जितने सरकार के कामकाज हुए हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो सारी जनता तक पहुंचाने के लिए क्या कवायद हो सकती है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर काम करना होगा उनको। तो ऐसी स्थिति के अंदर दो दो पदों के ऊपर रहकर के, शिक्षा विभाग का जो महकमा होता है छोटा महकमा नहीं होता, बिल्कुल लगातार राज्य सरकार के जितने कर्मचारी होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो सीधे तौर पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उन सबको संतुष्ट रखना और शिक्षा के महकमे में काम करना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। ऐसे में दो दो पदों के ऊपर साथ रह करके शायद आलाकमान भी ये सोचता हूँ, इसी कारण से उनको कोई सूचना या संकेत उनको दिए गए हो ऐसे कि वो एक पद पर ही रह सकेंगे अब आने वाले समय में। इसीलिए उनका जो अजमेर के अंदर कार्यक्रम था वो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। ऐसे स्थिति में आने वाले समय में जब कुछ भी होगा तो उसके अंदर माना ये जा रहा है कि शिक्षा महकमा जो है उनसे लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। उनकी जो अहम जिम्मेदारी है इसी से चीफ की, उसी के ऊपर उनको रखा जाएगा। और क्योंकि आपने संगठन का चुनावों का जिक्र किया है, तो एक संगठन ही ऐसा जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक पार्टी कैसे सत्ता तक पहुंचेगी? संगठन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, संगठन आज की तारीख में जो पिछली बार जो सरकार बनकर के आई थी, आज जो सारी जो सचिन पायलट गुट अपनी बात रखता है वो इसी के दम पर रख रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे छह साल तक सचिन पायलट ने पूरे राजस्थान के अंदर घूम करके संगठन को तैयार किया था, उसके आधार पर वसुंधरा राजे की सरकार को उन्होंने उखाड़ के फेंका है। और जो आम कार्यकर्ता जो उस समय कंधे से कंधा मिला करके संगठन के साथ में काम करना था उनको आज तवज्जो मिलनी चाहिए। ये जो सारी कवायद जो चल रही है दो दिन की, ये भी उसी के आधार पर है। आने वाले समय में सरकार के अंदर उनको कोई ना कोई पद जो मिलने वाले हैं वो भी उसी के आधार पर मिलेंगे।
जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने वाले हैं उसके अंदर सचिन पायलट ग्रुप के लोगों को जगह मिलेगी, तो संगठन का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि संगठन के आधार पर ही सरकार चुन करके आती है, ऐसी होती है। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ बदलने लगी है उसके अंदर सरकार को ज़्यादा भारी भरकम माने जाने लगा है और संगठन के अंदर लोग कम काम करना चाहते हैं, लेकिन संगठन के आधार पर ही सरकार बन करके आती है, ये हर नेता जानता है। लेकिन उसको लगता ही है कि अगर सरकार में रहेंगे तो ज्यादा भारी रहेंगे, लेकिन संगठन में बैठने वाले लोग भी कम नहीं है। बिल्कुल, जो बैठ करके जो संगठन चला रहे हैं आज की तारीख में भी, वो लोग अपनी अगर दबंगता दिखाते हैं तो सरकार के मंत्रियों को पीसीसी तक बुला सकते हैं, सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि सरकार किस डायरेक्शन में काम करे, क्योंकि कार्यकर्ता और आम जन तक जो लाभ पहुंचने चाहिए बिल्कुल वो सब संगठन के माध्यम से ही निकल करके सामने आते हैं कि सरकार किस तरीके से काम करे, आम जनता की जो डिमांड है वो क्या है, वो संगठन ज्यादा बता सकता है सरकार के मंत्रियों से। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और लगातार चर्चा में इस पर आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त के यहाँ पर ब्रेक का हो रहा है, क्योंकि रायशुमारी भी अजय माकन की चल रही है और इंडिया न्यूज पर खबर और कवरेज लगातार जारी है, आप बने रहिए।